व्हाट डिड वी डू यस्टरडे, पिरामिड्स पढ़े थे, अपराइट पिरामिड, व्हाट वाज अपराइट पिरामिड, पिरामिड्स किस चीज के थे, फूड चेन्स, एंड ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट इन अ फूड वेब. ठीक है, अपराइट पिरामिड जिसमें प्रोड्यूसर्स सबसे नीचे होते हैं, फिर हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, देन सेकेंडरी एंड टॉप. ठीक है, सेम वे इज दिस इनवर्टेड पिरामिड, नंबर ऑफ ट्रीज सबसे नीचे, देन बर्ड्स एंड देन इंसेक्ट्स. ठीक है, एंड पार्शली अपराइट पिरामिड, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस. नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास. व्हाट इज बायोमास? मास ऑफ टिश्यू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली दीज, जैसे ओक ट्री, कैटरपिलर, ब्लू टिट एंड स्पैरो हॉक. ये कुछ कुछ बर्ड्स हैं एंड ट्री. पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स. ये क्या चीज दिखाता है? ये दिखाता है रिलेशनशिप किस चीज का, बायोमास का और ट्रॉपिक लेवल, ताकि ईच ट्रॉपिक लेवल पता लगे कि ये इस चीज पे कितना डिपेंड है, ये इस चीज पे कितना डिपेंड है, ये इस चीज पे कितना डिपेंड है. नेचुरली ऑन दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस. ठीक है, समझ आई? बिकॉज इनका फूड यहां से निकलेगा, इवन कैटरपिलर, देन द बर्ड विल ईट द कैटरपिलर एंड देन द स्पैरो विल ईट द बर्ड. इवेंचुअली क्या होगा, पिरामिड किस तरह से बनेगा कि इस स्पैरो के अंदर ये भी होगा, ठीक है, और इसका ये वाला पोर्शन भी होगा एंड दिस. सो दिस विल बी कार्निवोरस एज वेल एज हर्बीवोरस. ठीक है, इस तरह से इनका ये पिरामिड बनता है. नाउ सी अपराइट पिरामिड, बायोमास एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्पेशली जो फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, उसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं. नाउ सी हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, देन हर्बीवोरस एनिमल्स समझ लो 100 केजीस के आसपास, देन प्राइमरी कार्निवोरस विच आर डिपेंडेंट ऑन दिस. ठीक है, देन टॉप कार्निवोरस विच इज डिपेंडेंट ऑन दिस. ठीक है, और ये पिरामिड कैसे होगा कि दिस विल कंज्यूम दिस, दिस विल कंज्यूम दिस एंड दिस विल कंज्यूम दिस, इवेंचुअली दिस विल बी रिलेटेड टू ऑल दीज लेवल्स. ठीक है, समझ आई? इन्वर्टेड पिरामिड इन एक्वेटिक्स इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में प्रोड्यूसर्स आर एल्गाई, उसके अलावा फंगस, स्टार फिश, सी हॉर्स, अलग अलग तरह के जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं जीव जंतु पानी में, उसके ऊपर हर्बीवोरस, स्मॉल फिश, ऑल द एक्वेटिक फिश, देन द बिग फिश कार्निवोरस विच विल ईट दिस. तो इवेंचुअली पिरामिड, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस. सो कंक्लूजन विल बी कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज फॉर्म्स. समझ आई? सो वही चीज, जो पिरामिड ऑफ बायोमास इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, वेट ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल. अब देखो कितने किलोग्राम्स की वो मछली हो जाती है, विच कंटेन्स ऑल दैट टाइप ऑफ फूड ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल. जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम बता दिया कि प्रोड्यूसर्स, देन हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस. उसके अलावा बायोमास कैसे कैसे डिक्रीज होती रहती है, डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल. अब कल हमने न्यूट्रिशन पढ़ी थी, व्हेन वन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द नेक्स्ट लेवल, तो उस जो है ओरिजिनल एनर्जी लेवल जो है उसका कम हो गया, इट इज कन्वर्टेड टू द नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट लेवल, ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, बिकॉज ट्रीज आर मैक्सिमम इन द फॉरेस्ट. कल हमने ये भी चीज देखी थी कि सबसे ज्यादा ग्रास लैंड ज्यादा है, डियर कम है. एग्जाम्पल की थी सेम वे, ट्री आर मैक्सिमम इन द फॉरेस्ट, दैट मीन्स इट कॉन्ट्रीब्यूट ह्यूज बायोमास. सबसे ज्यादा बायोमास तो वही है, ग्रीन लैंड ट्रीज, कार्निवोरस, हर्बीवोरस टेरिटरी, वो तो बात की बात है, सबसे ज्यादा इज द ग्रीन लैंड ट्रीज, दैट कवर द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ बायोमास इन द फॉरेस्ट एरिया.
नेक्स्ट टॉपिक लेवल इज हर्बीवोरस, रैबिट एंड डियर, जो इस पिक्चर में भी देखा था, एंड कार्निवोरस जैसे स्नेक हो गया, फॉक्स हो गया. टॉप ट्रॉपिक लेवल कंटेन्स फ्यू लायन, टाइगर, वैसे भी कहते हैं कि टाइगर बहुत कम है, लायन बहुत कम है. एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते जा रहे हैं, कंजर्व टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे, ठीक है. तो बायोमास विच इज वेरी लो, सो सबसे ज्यादा टॉप बायोमास कहाँ पे होगा? ट्रीज, ग्रीन लैंड, सबसे ज्यादा लैंड है. देन इज द नेक्स्ट लेवल जो ऊपर डिपेंड है, देन द नेक्स्ट लेवल जो उस पर डिपेंड है. सो दिस इज द हाउ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी जाती जाएगी, एन अमाउंट ऑफ बायोमास. के बायोमास सबसे ज्यादा ट्रीज, लैंड एरिया, ग्रासी एरिया, जिसके ऊपर हर्बीवोरस डिपेंड है, उनके ऊपर बर्ड्स डिपेंड है, देन उसके ऊपर स्नेक्स वगैरह डिपेंड है, और फिर उसके ऊपर टॉप कार्निवोरस लाइन डिपेंड है. सेम विद पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या इंडिकेट करते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही चीज मैंने बताई थी, फ्लो फ्रॉम ईच लेवल. अब जहां से ग्रास लैंड, वो याद है पिछला चैप्टर जिसमें कि हम बता रहे थे कि मिनरल्स कैसे खत्म होते हैं. तब जब बार बार, सपोज करो नाउ डियर है, या सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल कोई काओ या बफलो है, उसको क्या पता कि मैंने इसी एरिया में चलने जाना है, कोई और एरिया ढूंढ लो यहाँ मिनरल्स खत्म, उसने वहीं जाना है. समझ आ गई? अपनी बात कर लो, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. आपको घर में आप कोई कंफर्टेबल जोन है, वहीं को बैठ के आप खाना पीना खाते हो. घर आप सबका बड़ा बड़ा है, फ्यू रूम्स, सपोज आपके कब घर में चार बेडरूम्स हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है मेरा वही चेयर है, मैं वहाँ पे आराम से बैठ के खाता पीता हूँ अपना टाइम, वहाँ पे वही कोना क्यों ढूंढते हो? इतना बड़ा घर है और कोई जगह क्यों नहीं? बिकॉज दैट बिकम्स योर कम्फर्ट जोन. आपको वहीं पर रिलैक्सेशन महसूस होती है. घर में अनेक बर्तन है पर आपको कि नहीं मैंने इस कप में चाहिए, मेरे को तो बड़ा आराम मिलता है. क्यों? बाकी कप नहीं है, सब है, बट वो आपका एक कम्फर्ट जोन बन जाता है. ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर पिल्लो है, घर में तो हजार पिल्लो पड़े हैं, बहुत पेरेंट्स आपके बहुत कुछ बना के दे रहे हैं, वो एक आराम वहाँ पे ही मिलता है भाई, मुझे वो पसंद है, होता है ना. सेम वे एनिमल, हमारे में जब इतनी बुद्धि है, यू ऑल आर एजुकेटेड चिल्ड्रन, आप में बुद्धि है, पढ़े लिखे हो सब कुछ, स्टिल हम उन चीज़ों पे कि हमें वहाँ पे आराम मिलता है, प्लीज मेरे को यहीं पे बैठ, होता है ना. तो उनके पास तो ये भी नहीं है, तो दे ओनली लाइक, दे ऑल्सो हैव देयर पर्टिकुलर ग्रास लैंड, कि वहीं से उनको चाहे वो सारा मिनरल खा जाए. सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल ये है कि उनको वहाँ से उन्होंने मिनरल्स कंज्यूम कर लिए, वहाँ से मिनरल खत्म हो गए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उनमें चली गई, उनका किलोग्राम बढ़ गया, उस जगह कम हो गया, बायोमास वहाँ को ट्रांसफर हुआ. उन पर ऊपर दूसरा एनिमल डिपेंड है जिन्होंने उसको खाना है, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चली गई. सेम वे पिरामिड टाइप, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पासिस फ्रॉम वन बायोमास लेवल और वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर. समझ आई? नाउ सी दिस, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, नोटिस दैट ओनली 10% इज मूव टू द नेक्स्ट लेवल. वेयर डज द रेस्ट गो? किलो जूल्स पड़े होंगे. अब ये देखो, 1 करोड़ किलो जूस ऑफ सनलाइट, हमने 1 करोड़ समझ लो, 10,000 करोड़, ठीक है, मेनी मोर करोड़ ऑफ सनलाइट आ रही, उस पर प्राइमरी प्रोड्यूसर वहां पर कितनी कंज्यूम होगी? 10,000 किलो जूस. करोड़ किलो जूस से 10,000 किलो जूस प्राइमरी प्रोड्यूसर ने ले लिया, ठीक है. वहां से जूस हुए प्राइमरी कंज्यूमर, जो अब इस फूल के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा है, फूल से मधुमक्खी ने चूसा, वो कितना का किलो जूस? इतनी सी तो है, ठीक है. उसको इस सेकेंडरी कंज्यूमर ने रैट में खा लिया. अगर उसने इतने से कीड़े को खाया, उस कीड़े में भला कितनी का पहले एनर्जी थी? इतनी तो हो नहीं सकती. समझ आ रही है ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफर? उसकी जितनी क्षमता उतनी ही उसके अंदर हुई. इसने खा लिया, अभी इधर उधर भागा, एनर्जी वेस्ट हो गई, एनर्जी यूज हो गई, ठीक है. उसके बाद इसको स्नेक ने खा लिया. स्नेक ने जब उसको खा लिया, तो इसमें भला कितनी थी जो स्नेक ने खा लिया, ठीक है. नाउ सी, यहां से आओ, टेरिटरी कंज्यूमर इज द स्नेक, सेकेंडरी कंज्यूमर इज द रैट, प्राइमरी कंज्यूमर वॉज दिस, एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर इज द क्रॉप.
Now see, levels of energy from the sunlight, crores and crores of joules, kilojoules, to this level. This makes it 10. So 10% is moved to the next level. क्योंकि just imagine कि एक फूल के ऊपर कितनी थी जो इस छोटे से एक मधुमक्खी में लेगी और उसको इस रैग में एंड देन दिस. सो ओनली 10% ऑफ किलोजूल इज 10% ऑफ एनर्जी इज मूव टू द नेक्स्ट लेवल. अब समझ आई? ठीक है. प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड देन टेरिटरी. नाउ सी, मेटाबॉलिज्म होता है, हर इंसान में भी होता है मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म एनर्जी होती है. सो मेटाबॉलिज्म हीट, डीकम्पोजर्स, वो याद है डीकम्पोजर्स, डीकम्पोज भी तो होती है. फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन सोर्स सन टूवर्ड्स दिस, एनर्जी फ्रॉम सन टू द प्लांट्स एंड देन टू दीज लेवल्स. समझ आएंगे कि कैसे कैसे एनर्जी शिफ्ट होती है टू दिस. तो यहाँ तक तो 10%. अब सपोज करो कि उस सांप को कोई और जीव खा गया, हॉक उठाकर ले गई, हॉक ने थोड़ा सा खाया, बाकी कहीं पे उसका डेड रिमेन छोड़ दिया, वो डेड रिमेन डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में शुरू हो गया. ठीक है, हम उसी डायनासोर पे तो डिपेंड नहीं है, वो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में शुरू हो गया. कहीं हॉक ने कोई ईगल ने, हॉक ने ये तो नहीं देखना है मैं यहाँ ना फेंकूँ, उसे तो कहीं भी फेंक देना है, जितना उसको चाहिए लेगी, बाकी मार के फेंक दिया. वो स्नेक डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में शुरू हो जाए. तो डीकम्पोजिशन स्टार्ट्स इवेंचुअली फ्रॉम दिस, दैट वाज द टेरिटरी कंज्यूमर. ठीक है, अब उसका फिर से कहाँ जाएगा डीकम्पोज मटीरियल, टू द सॉइल. ठीक है, डीकम्पोजिशन उसकी जब होगी टू द सॉइल, अब फिर से यहां से वही फ्लो चेन शुरू हो जाएगी. फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, हमने पहले भी डिस्कस किया था. रेन फॉरेस्ट होते हैं, हमने डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़े थे. ठीक है, सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो होता है जहां पे बहुत सारी डेंसिटी ऑफ ट्रीज. यू कैन नॉट काउंट के मैडम वो जो एक जंगल है उसमें सिर्फ 20 पेड़ है, मैं गिन के आई. नो, बहुत सारे पेड़ होते हैं. सम ट्रीज आर काउंटेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. कभी आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर मूवीज में देखा होगा येलो सा कुछ होता है पेंटेड and something is written with a black pen, 23 कोई number. That is the number of trees जो forest department ने count किए हैं. ठीक है, पर कई अनगिनत पेड़ होंगे, पता नहीं कितने deep, dense जंगल में, अपनी जान को खतरे में तो उन्हें डालना नहीं. ठीक है ना, वहाँ पे भी होंगे. So it has a highest density of trees. वो ecosystem ऐसा है जहाँ पे tall trees होते, बड़े लंबे लंबे, छोटे पाइनी ट्रीज होते हैं, थॉर्नी ट्रीज होते हैं. ठीक है, और वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, क्योंकि कैनोपी ट्रीज, हो याद है कैनोपी ट्रीज हमने पढ़े थे. ठीक है, तो उसमें कम से कम 31% ऑफ वर्ल्ड का एरिया कवर हो जाता है, और इंडिया में अगर हम कर लें तो 19% ऑफ टोटल. अब किस तरह के है, बेस्ड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, कभी होती है कभी नहीं होती, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस. टेम्परेट रीजन्स वो होते हैं जैसे हम कह सकते हैं कई हरियाली वाली जगह, कई सूखी वाली जगह. ठीक है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो हर तरह के फॉरेस्ट है, जिसका आप आगे विस्तार में पढ़ोगे, हर तरह के फॉरेस्ट है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में. नाउ दीज ट्रीज विल सोक अप ऑल द रेन वाटर. कैनोपी ट्रीज याद करो, डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमने पढ़े थे. ठीक है, उन्होंने सारा पानी सोख लेना, वही वहां पर भी फॉरेस्ट की उससे भी फूड चेन बन जाएगी. दोज ट्रीज, उनके ऊपर डिपेंड कौन है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मॉसेस, लीचेंस, एल्गाई, सिल्कवर्म, मलबरी ट्री, सिल्क याद है. ठीक है, तो हर तरह के, और उस उन छोटे छोटे कीड़ों के ऊपर, देन बर्ड्स, उनके ऊपर वही आपका चेन बनती जाएगी. ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम से भी वो फूड चेन बनती जाएगी, विच विल इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूट इन दैट बिग फूड वेब. अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दे आर करेक्टराइज्ड बाय
वार्म टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल, या तो वार्म टेम्परेचर होगा कहीं बिल्कुल गर्म। अब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वगैरह जो वहाँ के जंगल होंगे वो तो बहुत टेम्परेट रीजन है, वो तो बिल्कुल इक्वेटर तपे होते हैं, ठीक है। एंड एडिक्वेट रेनफॉल, कहीं तो होते हैं जो कि टेम्परेट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पर ठंड है वहाँ पर ठंडे, गर्मी है तो गर्मी गर्म एरिया हो जाएगा, या हाँ वहाँ पे मॉडरेट बारिश भी होती है, सनरेज भी होती है, अच्छे हरे भरे जंगल भी होते हैं, विच मेक जनरेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉन्ड्स, वहाँ पे पॉन्ड भी बनते हैं लेक, क्योंकि यहीं से सारा कुछ सपोर्ट सिस्टम चलता है। फॉरेस्ट जो होता है वो मेंटेन क्या करता है, क्लाइमेट को, रेनफॉल को, नेचुरली उन्होंने सनरेज भी सोख लेनी है, रेनफॉल भी एडजस्ट हो जाएगी, तभी बाढ़ भी आएगी अगर पेड़ ज़्यादा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन वाला चैप्टर याद करो, ठीक है। फॉरेस्ट सपोर्ट मैनी वाइल्ड एनिमल्स टू प्रोटेक्ट, अब फॉरेस्ट जो है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉइल कितनी रिच होएगी, क्योंकि वहाँ पे भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस तो चल रही है ना, कई जानवर है जिनका शिकार हो गया, थोड़े बहुत खाए बाकी छोड़ दिया, डिकम्पोजिशन तो उधर भी चल रही है, पता नहीं कितने जानवरों से, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा ऑर्गेनिक रिच, क्योंकि पेड़ों ने जब पानी को सोख लिया, छोटे छोटे जीव जंतु जो खा रहे हैं नीचे, खाद बना रहे हैं, कई मर रहे हैं, कई गिर रहे हैं, कोई पेड़ गिर रहा है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस, बहुत सारा रिच ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे है, फॉसिल्स वहाँ पे रिमेन्स पड़े होते हैं, वो उस मैटर से जब मिल जाता है, इट विल बिकम अ रिच मैन्योर, वो सॉइल और भी ज़्यादा मैन्योर में रिच हो जाती है, क्योंकि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इतनी कई बार पुअर होती है कि ऑर्गेनिक मैटर की जो कंपोजिशन है, क्योंकि कई पेड़ ऐसे हैं, कई कैनोपी ट्रीज आपस में अगर जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक पेड़ और दूसरा पेड़ साथ साथ जुड़े हैं, वो अम्ब्रेला टाइप से, उन्होंने नीचे सनलाइट को पेनिट्रेट होने नहीं देना, सारी सनरेज ऊपर, अब दोनों जुड़े हुए हैं, सारी सनरेज इसके ऊपर होगी, नीचे तो आ नहीं रही है, तो नीचे वो गीला रहेगा। अगर बारिश हुई है, सपोज करो चार दिन लगातार बारिश हुई है, 24 आवर्स, ठीक है, चार दिन बाद सूरज निकला है, अब ऊपर की जो उसकी कैनोपी ट्रीज है, सारी सनलाइट तो उन्होंने ले ली, नीचे तो गया नहीं, तो वो नीचे क्या रहेगा, गीला, मार्शी, दलदल वाला, उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कितनी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, ऑर्गेनिक मटीरियल कितना ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मटीरियल जो है, मैटर जो है, न्यूट्रिएंट्स उसके जल्दी, क्योंकि डिकम्पोजिशन प्रोसेस जल्दी 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 होगी, ठीक है, पानी में हमेशा डिकम्पोजिशन फास्ट होती है। उसके अलावा एल्गाई, फंगस, फंगाई, एल्गाई, स्मॉल बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस, जो नीचे लीव्स गिर गए उनके ऊपर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितनी जल्दी वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, तो उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत फास्ट होगी उस ऑर्गेनिक मैटर। Now see this, sun rays, this is the producer, this is the water, ठीक है, primary consumer herbivorous, secondary consumer this one, territory carnivorous and territory consumer carnivorous. अब producer से nutrient, this, क्योंकि पानी है, suppose करो यहाँ पे इस picture में deciduous forest अभी नहीं दिख रहा, ठीक है, but यहाँ पे जो decompose, this is mushroom. जो फॉरेस्ट में मशरूम उगती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है। नाउ दिस टाइप ऑफ मशरूम, इसके ऊपर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं इसके साइड में, और अब इसके नीचे एल्गाई भी हो सकती है, इसके नीचे फंगस भी हो सकती है, वो जो हरा हरा जिसके काई जमी है वो भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा गीला है, दिस इज ऑल गीला। अब पानी के अंदर, नाउ दिस लिटिल बिट ऑफ वाटर, अगर कोई पॉन्ड है, इसके अगर इसके पानी को भी अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, यू विल फाइंड करोड़ एंड करोड़ ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो कितनी जल्दी वो मल्टीप्लाई हुए। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में दो तरह के होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। व्हाट इज एबायोटिक कंपोनेंट? इंक्लूड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन सॉइल एंड एटमोस्फियर, ठीक है, सॉइल और एटमोस्फियर में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कई चीज़ें हैं जो डिकम्पोज होगी, कई पड़ी है, जो मल्टीप्लाई होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है,
इन एडिशन मिनरल्स, मिनरल्स उसमें अंदर ही अंदर मिनरल्स बन रहे हैं. एंड अकरेंस ऑफ लिटर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि देखो जो मिनरल्स है, अगर सपोज करो कोई फंगस है उसमें मल्टीप्लाई हुआ है, जो उसके मल्टीप्लीकेशन से आगे एटमिक मॉलिक्यूल बना है वो भी तो आगे मल्टीप्लाई होगा. द प्रोसेस नेवर स्टॉप्स. नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट. उसमें क्या आ जाता है? प्रोड्यूसर्स. इन अ फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स क्या है? सबसे ज्यादा ट्रीज प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ये हमने पहले भी पढ़ा था. ट्रीज के अलावा क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? बेलें. बेल होती है ना, कहते हैं अंगूर की बेल है जो ऊपर को चढ़ गई. ठीक है, कई बार आपने कोई डंडी लगाई होती है, अगर आपने घर में कोई प्लांट लगाया, बेल अगर है उसको आसपास कर देते, अभी अपने आप बढ़ जाएगी. तो हम तो ऐसे कर रहे हैं जिनके पास थोड़े पौधे हैं, जंगल में तो होते हैं लोग, बहुत सारे पेड़ हैं. तो क्लाइंबर्स कितनी फास्ट एक दूसरे पेड़ों की मदद से क्लाइंब हो जाते हैं. श्रब्स, छोटे छोटे श्रब्स. ठीक है, उसके अलावा कई ऐसे ट्रीज है जैसे जिसको बोलते हैं डैनबिग्रा, टेरिटोन ग्रैंडियस, लीचन्स, लीचन्स फर्न, मॉसेस. वही हरी हरी पेड़ की खाल के ऊपर कहते हैं क्या, ये देखो जी पूरा हरा हरा हो गया, हाई जंगी फर्न मॉसेस लीचन्स, वो उसके ऊपर अपने आप नमी से बढ़ जाती है. कंज्यूमर हर्बीवोरस कौन कौन से हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर? एंट, कीड़े, फ्लाइज, मक्खियाँ, इंसेक्ट, माइस, मकौड़े, स्पाइडर्स, उसके अलावा डियर, स्क्विरल. ठीक है, लार्जर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? एलिफेंट, डियर, जराफ. सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाते हैं प्राइमरी कार्निवोरस जो कि डायरेक्टली डिपेंड होते हैं हर्बीवोरस पे. लिजर्ड, चिपकली, स्नेक, बर्ड, फॉक्स, ये डायरेक्टली किन पे डिपेंड होते हैं? इन. ये किस पे डिपेंड है? वही फूड चेन बनती जा रही है. देन टेरिटरी कंज्यूमर, ये किस पे डिपेंड होते हैं? ऑन प्राइमरी एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, डियर. ये इस पे डिपेंड हो गए, ये लोग सेकेंडरी पे, एंड सेकेंडरी इस पर, एंड द लास्ट वन इज ऑन दिस प्राइमरी. एंड प्राइमरी कंज्यूमर सनलाइट, उसको आप करते रहो, फूड चेन बनाते रहो. एंड देन द डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन भी यहीं से डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. Now see, producers different tree species, ठीक है, consumers, ant, lizard, birds, deer, tiger, and then decomposition. ये सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. फंगस, लीचन्स, मॉसेस, एल्गाई. कई बार देखो खड़ा पानी होता है उसके ऊपर भी ऐसे जमी होती है हरी हरी सी काई वो, और अगर उस हरी काई को उठाकर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे करोड्स ऑफ स्मॉल लिटल टाइनी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर लाइव पाए जाते. नाउ एनवायरमेंटल सर्विसेज कैसी कैसी होती है? न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन को जो सपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन साइकिल, जिसमें क्या आ जाता है? क्या हमने पढ़ा था? डी वन, डी टू, फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. न्यूट्रिएंट लेवल ही होता है उसका, ऊपर नीचे होता है. देन बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो जाती है. उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, अफेक्ट होती है. रेनफॉल के पैटर्न्स, रेनफॉल के पैटर्न कैसे अफेक्ट होते हैं? हाउ रेनफॉल के पैटर्न कैसे अफेक्ट होते हैं? जहां पर डिफॉरेस्टेशन होगी वहां पर कहां से रेनफॉल होगी? वो चीज भी याद करो ना. रेनफॉल का पैटर्न कैसे, जहां पे ज्यादा पेड़ है वहां पर ज्यादा रेनफॉल होगी. वाई? बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल. जहां पे कम पेड़ है उधर फिर प्रॉब्लम. अब रेगिस्तान में कितनी बारिश होती है? ठीक है, वाटर फ्लो को कैसे रेगुलेट किया जाता है एटमोसफियर में? पूरा चेन बनती है, साइकिल बनता है. वाटर स्टोरेज, वो याद है मैंने आपको पहले बताया था, हाउ इज वाटर स्टोर? यस. उसके अलावा प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जितने ज्यादा पेड़ होंगे, जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, सॉइल इरोजन उतना कम होगा, बिल्कुल कम होगा. पेड़ ज्यादा होंगे, जंगल ज्यादा होंगे, तो सॉइल इरोजन कितना कम हो जाएगा. जब जंगलों की कटाई कम हो जाएगी, पहाड़ों की कटाई कम होगी, सॉइल इरोड नहीं होगी, बिकॉज दैट विल ऑल सोक अप द एक्सेसिव रेन वाटर.
Then, reclaiming degraded land and many more. जो soil degradation हो गई है, वो कहीं कहीं कभी इधर जमा हो गई है, उस सारे को retain करना, वो सारा कुछ कौन retain कर रहा है? Soil, eventually soil ही कर रही है. उसके अलावा forest ecosystem किस चीज़ के लिए use होता है? Firewood and timber. लोग depend हैं firewood के लिए. कई लोग अभी भी जंगलों में जो रहते हैं, they are dependent on the firewood and timber for cooking food, fruits, gums जो वहाँ पे gold निकलती है, कई कई medicinal purposes के लिए use होती है. ठीक है, हर्ब्स एंड ड्रग्स, मेडिसिनल यूज. कई कहते हैं ना कि जंगल में जो रहने वाले हैं उनके पास कई अनेक तरह की जड़ी बूटी है जिससे वो मेडिसिन बनाते हैं. नाउ सी दिस अगेन दैट थिंग, सोलर एनर्जी. दिस इज द फुल व्यू. दिस इज द प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स मेकिंग न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये देखो स्क्विरल है, ये नीचे की तरफ आ रही है, प्राइमरी कंज्यूमर ये है. देन ग्रीन प्लांट्स, रैबिट इज ईटिंग दिस. ठीक है, उसके अलावा दिस इज ईटन बाय रेड टेल हॉक. ठीक है, एंड इट कैन बी ईटन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस फॉक्स. ठीक है, देन रैबिट कैन ईट दिस 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 एंड लिटिल माउस कैन ऑल्सो ईट फंगस. ठीक है, डेट्रियस फीडर्स, इंसेक्ट एंड वर्म्स, ये छोटे छोटे नीचे कीड़े हैं जो डीकम्पोज मटीरियल, जो डीकम्पोज हो चुका है, फंगस, बैक्टीरिया, दिस इज मशरूम फंगाई, वो इनको खा रहे हैं. दिस माउस कैन बी ईटन बाय हॉक एंड फॉक्स. ठीक है, सो ऑल दिस एंड द मेन इज सोलर एनर्जी. आपको समझ आ रहा है? हाँ जी. ग्रासलैंड इकोसिस्टम, व्हाट इज दैट? 20% ऑफ अर्थ स्पेस को ग्रासलैंड ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, उसके अलावा ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स वहाँ पे हैं. कई एरिया हैं लिमिटेड ग्रेजिंग जहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर. अब अगर ओवर ग्रेजिंग होगी, दैट विल लीड टूवर्ड्स डिग्रेडेशन ऑफ दीज ग्रासलैंड्स. उसके अलावा क्या होगा? जितना ग्रासलैंड डिग्रेड होएगा वो सॉइल उतनी खराब होगी. अगर सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जानवरों ने ले लिए तो वो जो है एरिया वो जल्दी से जल्दी विदाउट ग्रास हो जाएगा. दैट इज नोन एज डिसर्टिफिकेशन. अब टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड कौन कौन से? ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर. विच आर दीज? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट एंड पोलर. नाउ सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन. यहां पर इतनी हरी घास तो है नहीं, सो यू कैन इमेजिन. और पेड़ कितनी कितनी स्केर्सिटी में, स्केर्सिटी मतलब कमी. वन ट्री इज हियर, वन इज देयर, बाकी दिख रहा है. पर स्टिल यहां पे गाय भैंसे चल रही है. जो हरियाली है यहां थोड़ी थोड़ी उसको दिखा. दिस एरिया यहाँ पर थोड़ा सा है एंड डियर आर ग्रेजिंग इन दिस एंड दिस इज कवर्ड विद माउंटेन प्लस लिटिल बिट ऑफ थॉर्नी एरिया एंड बुशी एरिया. यहाँ पर बुशेज, सो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं वो बॉर्डर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे होते हैं. यहाँ पे हाई टेम्परेचर होती है और मॉडरेट रेनफॉल होती है. ठीक है, जैसे कि 4200 सेंटीमीटर्स के करीब ही रेनफॉल यहाँ पे होती है. सवाना टाइप बोलते हैं इसकी. जो ग्रासेस होती है वो स्कैटर्ड श्रब्स की तरह होती है, विद स्कैटर्ड श्रब्स एंड सर्टेड ट्रीज. लाइक यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? ज़ीब्रा, जराफ, एंटीलोप ये होते हैं. उसके अलावा टेम्परेट ग्रास लैंड आर यूजली फाउंड इन सेंटर्स ऑफ कॉन्टिनेंट विद हाईली स्लोप्ड हिल्स. कॉन्टिनेंट्स के सेंटर एरियाज में होते हैं और स्लोपी हिल्स होते हैं, ऐसे वाली हिल्स होते हैं जो देखी थी इस पिक्चर में. कोल्ड विंटर होते हैं और हॉट समर, यानी कि टेम्परेट रीजन में होते हैं. बहुत सारी गर्मी हुई, बहुत सारी सर्दी हुई. ठीक है, इंटेंस ग्रेजिंग एंड समर फायर. इंटेंस ग्रेजिंग मतलब जानवर वहाँ पर बेतहाशा हिसाब से खाते हैं, इंटेंसली करते हैं, और समर में वहाँ पर आग लग जाती है, इतनी गर्मी होती है.
डू नॉट सपोर्ट श्रब्स और ट्रीज टू ग्रो. वो अब बार बार ग्रेजिंग ओवर ग्रेजिंग हो जाए और बाकी के एरिया सड़ ही जाए बिल्कुल इतनी तेज धूप में, तो कितनी श्रब कितनी जल्दी ग्रो करेगा? बहुत कम, बहुत कम या नहीं. पोलर ग्रासलैंड होते हैं ये जो आर्कटिक रीजन के आसपास होते हैं. आर्कटिक एरिया कौन सा? एंटार्क्टिका. ठीक है, आर्कटिक पोलर रीजन्स, दे आर करेक्टराइज बाय सिवियर कोल्ड. वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है पोलर रीजन में, और ठंडी हवा, स्ट्रॉन्ग विंड अलॉन्ग विद आइस एंड स्नो. आइसलैंड, एंटार्क्टिका, वहाँ पे समर में छोटे छोटे सेवरल अमाउंट ऑफ एनुअल प्लांट्स, जैसे कि आर्कटिक वुल्फ. एनुअल प्लांट छोटे छोटे बस उगते हैं वहाँ पर, जहाँ पर इतनी धूप ही नहीं है वहाँ पर, कहाँ से बर्फ ही बर्फ है, मतलब कौन सा प्लांट उगेगा? तो कोई छोटे छोटे ही प्लांट उगते. एनिमल्स वहाँ पे होते हैं आर्कटिक वुल्फ, वीजल, आर्कटिक फॉक्स. कोई बहुत ही कम रेयर एनिमल वहाँ पे, जहाँ पे बर्फ है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है. ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है यहाँ पे, सॉयल जो होती, करेक्टरिस्टिक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के क्या होते हैं? जहाँ पे सॉयल इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट, जो कि इधर नहीं है. उसके अलावा टॉल ग्रास होनी चाहिए ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स के लिए, जो यहाँ पे नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे ये फीचर्स नहीं है. सिंस इट हैज टॉल ग्रास, इट इज आइडियल प्लेस फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो. पर पोलर एरिया में वो नहीं है. ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है जहाँ पर हरी भरी घास होती है, पोलर रीजन में नहीं. यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रिच सॉइल होती है, जहाँ पर कैनोपी ट्रीज सबसे ज़्यादा होती है. वहाँ पर टॉल ट्रीज होते हैं, पानी भी अच्छा गिरता है, वहाँ पर जानवर भी अच्छी तरह. ये डिफरेंस होता है. बल्कि पोलर रीजन में ऐसा कुछ भी नहीं. अगेन दैट सेम थिंग. अब वहां पे जहां पे ट्रॉपिकल ग्रास होगी, हॉप, लिजर्ड, ग्रास हॉप, रैबिट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में भी जहां पे हरियाली है वहां पे दोबारा से फूड वेब बनना, फूड चेन बननी शुरू हो जाएगी, विच विल इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूट इन द फूड वेब. एबायोटिक कॉन्फ्लुएंस, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सप्लाइड बाय CO2, H2O एंड कार्बन, नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फेट. क्योंकि एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स में बहुत सारे रिच मिनरल्स होते हैं, अगर इनमें रिच मिनरल्स होंगे, जिसमें वाटर भी होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होएगी, ऑक्सीजन भी होएगी, फॉस्फोरस भी होगी, नाइट्रेट भी होएगी, तो क्या होगा? जितने रिच होएगा उतना ही रिच डिकम्पोजिशन हो जाएगी, उतना ही रिच मैन्योर तैयार होगा, और फिर से दोबारा वही ग्रोथ सिस्टम शुरू हो जाएगा. बायोटेक कॉम्पोनेंट्स जैसे प्रोड्यूसर, दे प्रोड्यूस फूड, ग्रासेस, हर्ब, श्रब्स. कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस, ये डिपेंड होते हैं ग्रासेस के ऊपर फॉर देयर फूड. इंसेक्ट, काउ, बफलो, डियर. देन सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, ये हर्बीवोरस पे डिपेंड हो जाएंगे इस एरिया में, ग्रीनलैंड में. फिर टेरिटरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड. दैट मीन्स टेम्परेट ग्रासलैंड से अलहदा, पोलर रीजन में भी इतना नहीं है, टेम्परेट में भी नहीं है, बट जो ग्रीनी ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे सिस्टम दोबारा से चलता है. देन अगेन दैट डिकम्पोजिशन प्रोसेस. ज़ेब्रास, अब देखो किस तरह से स्कैवेंजर क्या होता है, वल्चर्स, उसको तो भूलो ही मत. वल्चर वो जो डेड बॉडीज के ऊपर आकर वो वेट करती है कि कब इनमें से कोई डिकम्पोजिशन इनकी शुरू हो जाए, फिर वो डिकम्पोज मटेरियल करती है. यस, नाउ एलिफेंट्स, वो देखो ये पेड़ की खाल उतार रहा है. ज़ेब्रास को हाइनास खा रही है. ज़ेब्रा प्राइमरी कंज्यूमर इस हर्बीवोरस से खाया है. ठीक है, चीता इज गोइंग रनिंग आफ्टर दिस ज़ेब्रा. ठीक है, और ये सारा का सारा ग्रीनी पैच जिसको चीता, एलिफेंट, टर्माइट, ये देखो टर्माइट लगी हुई है पेड़ को. टर्माइट क्या होती है, जब कहते नहीं
वो लग गई है दीमक। दीमक किसको खाती है? वो भी पेड़ को, ठीक है, टर्माइट। और इस टर्माइट को छोटे 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 इंसेक्ट्स खा जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब कल को इनका जब शिकार हो जाएगा, चीता ने ले जाना है जितना जीब्रा लेके जा सकता है, जो डिकम्पोज होएगा उसको वल्चर, स्कैवेंजर। दे ओनली वेट फॉर दैट पार्ट कि जब ये मर जाए, इनकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए, मैं वो खाऊं। इम्पोर्टेंस क्या होती है ग्रासलैंड? ये होते वाइटल फॉर रियरिंग लाइफ स्टॉक। अगर ये ग्रास है तभी तो ये सारे आए, ठीक है। ह्यूमन कंजम्पशन मिल्क और डेयरी। अब गाय भैंसे ग्रीन ग्रास को खाती तभी वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके अलावा होम फॉर मेनी डिफरेंट, जो कई डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका वो घर है, कई जानवर उस ग्रीनी एरियाज में रहते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स, अलग अलग तरह के जानवर हैं जो कि ग्रीनी ग्रासलैंड्स में चलने आते हैं। उसके अलावा हैबिटेट और लाइफ स्टॉक की ये रिच बायोडाइवर्सिटी वहीं से तो बनती है। अगर ये ग्रीनी ग्रासलैंड्स ही ना हो तो रिच बायोडाइवर्सिटी नहीं बनेगी। डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया कौन सा होता है? ये 14% ऑफ वर्ल्ड का लैंड एरिया प्रोड्यूस करता है। इसमें कम से कम, बहुत कम बारिश होती है, वेरी लेस रेनफॉल, लेस देन 25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे एटमोसफियर ड्राई होता है और बहुत ही पुअर इंसुलेशन सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पे सोलर को, वहाँ पे सोलर एनर्जी आपको इमेंस मिलेगी, ढेर सारी मिलेगी, इट इज अ ड्राई रीजन, ठीक है। डेजर्ट्स जो होते हैं वो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। कई होते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, टेम्परेट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। टेम्परेट डेजर्ट्स में देखो ग्रीनरी सिर्फ यहाँ है, बाकी रेत है। ट्रॉपिकल एंड कोल्ड, यहाँ पे हमें पेड़ दिख ही नहीं रहे, बर्फ ही बर्फ। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कौन से होते हैं? ये ड्राइस्ट और हॉटेस्ट प्लेसेस होते हैं अर्थ के, जैसे कि अफ्रीका का सहारा डेजर्ट और राजस्थान का थार डेजर्ट। यहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत कम, बहुत कम, प्रेसिपिटेशन जो है बहुत कम, आप मेजर नहीं कर सकते 25 सेंटीमीटर पूरे साल में बारिश नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल, कई बार उससे भी कम। टेम्परेट डेजर्ट जो होता है बैरन एरिया होता है, जहाँ पर 10% बारिश होती है, बहुत सारी हॉट समर होती है विंटर टाइम में। एग्जाम्पल ये जगह है एक्टमा और मोजर, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि यहाँ की जो रेत होती है वो पत्थर टाइप होती है, जिसको बंजर भूमि कहो। कोल्ड डेजर्ट हैव हॉट समर बट एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, इनकी हॉट समर होती है एक्सट्रीमली, नेचुरली बर्फीले पहाड़ है वहाँ पर। दे आर फाउंड इन हाई फ्लैट एरियाज, प्लेट्यूज में, जैसे कि गोबी डेजर्ट और लद्दाख, लेह लद्दाख, ठीक है। डेजर्ट कैसा होता है? ड्राई एरिया होता है, हॉट क्लाइमेट्स होती है, एनुअल रेनफॉल जो होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। न्यूट्रिएंट वहाँ पर, सॉइल इज वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट, वेजिटेशन इज पुअर। वहाँ हम नहीं कह सकते जी बहुत हरा भरा है, बहुत सारा कुछ डिकम्पोजिशन, उधर बहुत कम होता है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एबायोटिक क्या होती है? इंटेंस सोलर रेडिएशन, लैशिंग विंड्स। लैशिंग विंड्स मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना लू चली है, अगर चलती है विंड ऐसे चलती है, सारी रेत ऐसे उड़ती है, तो उसको बोलते हैं लैशिंग विंड। लोग अपने अपने से कवर करते ताकि रेत ना आकर उनके मुँह पर गिरे। चलो बाकी हम कल करेंगे।